हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, लंबे समय के इंतजार के बाद आलिया भट्ट स्टारर फिल्म मुंबई काठियावाड़ी की रिलीज डेट अब सामने आ गई है। फिल्म को 25 फरवरी को सिनेमाघरों में ही रिलीज किया जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट शुक्रवार को संजय लीला भंसाली ने कर ही दी। संजय लीला भंसाली के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शुक्रवार को फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस की गई। इसमें लिखा गया है, 25 फरवरी को अपने नजदीकी सिनेमाघर में देखें इसके शासन की कहानी। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को भंसाली और जयंती लाल गड़ा ने प्रोड्यूस किया है। आपको बता दी कि पहले फिल्म को जनवरी और फिर बाद में 18 फरवरी को रिलीज किए जाने के लिए शेड्यूल किया था। हालांकि कोरोना की तारीख लहर आने से इसकी रिलीज को रोक दी गई। फिल्म में आलिया भट्ट माफिया क्वीन गंगूबाई काठियावाड़ी के रोल में नजर आएंगी। फिल्म को हुसैन जैदी की बुक पर तैयार किया गया है। पैसों की लालच में गंगूबाई को बेच दिया गया था, जहां से निकल कर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आलिया भट्ट के अलावा फिल्म में अजय देवगन, शांतनु माहेश्वरी, विजय राज, सीमा पावा भी अहम किरदार में दिखेंगे। फिल्म में अजय देवगन, हुमा कुरेशी और इमरान हाशमी का कैमियो रोल है। आपको बता दूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी का वर्ल्ड प्रीमियर 72 बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होने वाला है, जिसे 10 से 20 फरवरी के लिए आयोजित किया गया है। इसके बाद फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होगी। इसे हिंदी के अलावा तेलुगु में भी रिलीज किया जा रहा है। वेल, फिल्म बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, ट्रेलर देखकर साफ लगा। फिल्म में आलिया का रोल, उनका स्वैग, उनका कैरेक्टर, सब कुछ मजेदार है। हम सभी को इंतजार है इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से। वेल, आप कितने एक्साइटेड है फिल्म को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।